हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक पर। तो चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने क्या सीखा था, ए प्लस आई वी के फॉर्म में चेंज करना अपन ने सीखा था, ठीक है। नई क्लास स्टार्ट करते हैं और भी बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर कर दो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो पुराने हैं वो तो कुछ करने लायक ही नहीं है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। पहले तो चुपचाप से बैठ जाओ, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाए, ठीक है। हाँ, वन प्लस थ्री अंडर रूट थ्री आई, अंडर रूट थ्री आई के बाद क्या बोला, अपॉन मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड, वो भी हमने बताया, अभी हमने सिखाया नहीं, सिखाया ना, तो पहले सीख तो लो फिर बताते हैं इसको। चलो तो अगली क्लास, कल की क्लास में अपन ने ए प्लस आई वी के फॉर्म में निकालना सीखा, ठीक है। अब आज अपन को जो सीखना है वो क्या सीखना है, एम्पलीट्यूड निकालना, दूसरा मॉड्यूलस निकालना, और तीसरा अपन को आज चीज सीखनी है स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वो तीन चीजें आज अपन को क्या करनी है, सीखनी है, ठीक है। तो जो जो चैनल पे नए हैं देखो पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नहीं करना हो अगर सब्सक्राइब तो चैनल को शेयर कर दो, है ना। सब्सक्राइब तो वैसे करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम देख रहे, तुम्हारा फर्ज बनता है ये, ठीक है। चलो भाई क्या निकालना है, मॉड्यूलस, ठीक है। देखो भाई मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस आई बी होता है, ये तो हमने कल ही पढ़ा था कि जेड आपका क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, ए प्लस आई बी होती है, ठीक। हम आपसे कहें मॉड्यूलस ऑफ जेड बताओ कितना होगा, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना होगा, तो ये होता है अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस आई के केवल कोफिशियंट का स्क्वायर, ठीक, ए का स्क्वायर और आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो जाता है, मॉड्यूलस हो जाता है, क्लियर, ठीक। मॉड्यूलस में एक प्रॉपर्टी भी यूज हो जाती है आपकी, कौन सी, जैसे मैंने आपसे कहा मॉड्यूलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इक्वल किसकी होगा, तो ये मॉड्यूलस ऑफ जेड वन और मॉड्यूलस ऑफ जेड टू के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूलस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। इसके बाद अपन को क्या सीखना है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना, क्या निकालना, एम्पलीट्यूड निकालना, ठीक। तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, देखो एम्पलीट्यूड जैसे यही वाली इक्वेशन फिर से लें अगर हम, कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड जिसको हिंदी में कोणांक कहते हैं, ठीक है, कोणांक या एम्पलीट्यूड अगर आपको इसको निकालना है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अरे अगर माइनस होगा तो निकलेगा पॉजिटिव ही ना, लो मॉड में लिख लो, ठीक। और मॉड्यूलस की एक वैल्यू तो आपको एक प्रॉपर्टी पता ही होगी कि अगर मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो बाहर पॉजिटिव ही निकलता है कि नहीं, हाँ। चलो तो ये दो चीजें हैं आपकी, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालने की, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लें, जो इनने पूछा आप वो बता दें, ठीक है।
ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ बी ओवर ए या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए, और मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आई के कोफिशियंट का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन बताओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पहला क्वेश्चन कहें, एक मिनट को, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कहा 2 + 3i, ठीक है, का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को हिंदी में बोलते हैं परिमाप, हाँ मापांक, सॉरी मापांक, परिमाप नहीं बोलते, वो तो आपका वो होता है परिमाप, क्या बोलते हैं, परिमाण होता है वो, परिमाप होता है वो पैरामीटर करके, ठीक, मापांक या कौड़ांक, मापांक और कौड़ांक आपको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, मापांक और कौड़ांक फाइंड करो, मतलब आपको मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा बिल्कुल। z इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, 2 + 3i, मॉड ऑफ z निकालेंगे अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस i का कोफिशियंट है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 हो जाएगा, ये आपका मापांक आ गया, नहीं आया, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन अपन को क्या निकालना है, कोणांक निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी ओवर ए होता है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी कितना है, बी है आपका 3 अपॉन ए कितना है 2, और चूंकि निगेटिव में कोई नंबर नहीं है इसलिए मॉडुलस में लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2 इज द आंसर। ठीक, कोणांक आ गया, मापांक आ गया, बताओ नहीं आया। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो पेपर का पैटर्न है उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 12, जिनमें से 10 करने होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है 7 क्वेश्चन आते हैं, कोई 5 करने होते हैं, सारे 2-2 नंबर के, तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका ये आ सकता है कोणांक और मापांक निकालने को, हो गया। ठीक, अब चलो भाई अपना क्वेश्चन बताओ। अरे रुक तो जाओ भाई, हाँ बताओ बताओ, अरे तो क्वेश्चन तो बताओ। 1 + √3i अपॉन √3 + 2i। ठीक, कल हमने आपको बताया था जब भी आपको ऐसे नंबर दिखे कि ऊपर भी a प्लस आई बी है अपॉन नीचे भी a प्लस आई बी है, तो हम क्या कर देते हैं, हर का परमेयीकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करो तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा कॉन्जुगेट, √3 - 2i अपॉन √3 - कोई आपत्ति, तुम और कंटिन्यू करते रहो अपनी अपनी बातें, नहीं कंटिन्यू चलनी चाहिए जब तक क्लास चल रही। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा √3, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 9i, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2i, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 6√3i2। Yes? होगा कैसे, √3 का 1 में किया, √3, √3 का 3√3 में किया, तो देखो 3√3 × √3, √3 मिलके 3 × 3 = 9। ठीक जो नए हैं वो भी देखते जानो, तो ये 9i, −2i का 1 में किया −2i, और ये माइनस ये प्लस तो माइनस का आएगा 3 × 2 = 6, √3 का √3 i मिलके i स्क्वायर। ठीक, इसके बाद नीचे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी और a माइनस क्या होगा a² - b² मतलब √3 2i। वेरी गुड, ठीक है, तो √3 + 7i - 6√3i² की वैल्यू कितनी होती है -1, और -1 और 1 माइनस में लिखे +1। ठीक, ये वैल्यू कैसे होती है ये हम आपको कल की वीडियो में बता चुके हैं, तो जिन्होंने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी है पहले वो जाके कल की वीडियो देख लें। अपॉन √3 2 होगा 3 - 2i² होगा 4i² यस और नो, ठीक, हाथ कर दो, अच्छा हाँ, तो
सिक्स रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री मिलके सेवन रूट थ्री हो जाएगा प्लस सेवन आई हो जाएगा अपॉन थ्री माइनस फोर और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और ये माइनस मिलके प्लस वन। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका सेवन कॉमन रूट थ्री प्लस का आई अपॉन सेवन से सेवन कट कट डिचक डिचक हो गया। ठीक क्वेश्चन क्या बचा जेड इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस आई बचा हमें क्या निकालना है मॉड्यूलस तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर प्लस आई का कोफिशियंट वन का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन बराबर फोर रूट फोर की वैल्यू टू मुबारक हो मॉड्यूलस आ गया मॉड जेड इक्वल टू टू आ गया। ठीक और क्या निकालना था और निकालना था एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता है टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है तो टेन इनवर्स बी कितना वन अपॉन ए कितना रूट थ्री टेन में वन अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है थर्टी की तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन फाइव बाई सिक्स टेन से टेन टन टनाटन हो गया थी इज इक्वल टू क्या बचा पाई अपॉन सिक्स जे आ गया कोणांक मतलब एम्पलीट्यूड और जे आ गया मापांक मतलब मॉड्यूलस। बताओ किसी को मापांक कोणांक में दिक्कत नो दिक्कत ना आ जाएगा पक्का हाउस द जोस हेलो सर हाउस द जोस नो सर है ही नहीं अरे नहीं भज्जा इतो रहम नहीं करो हम पर इतनी काफी है। ठीक ये था आपका क्वेश्चन तो जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो बाकी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो बताओ भैया मापांक कोणांक निकालना आया जो नए हैं उन्हें भी और जो पुराने हैं उन्हें तो आना ही चाहिए। ठीक है कौन कौन नया आज एक दो तीन चार पांच बहुत बढ़िया डेली डेली नए नए लोग आ रहे हैं अब नया सिलेबस हाँ नहीं करवा देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है पीछे वाली वो खिसका देंगे ओके हाँ ये वाला खिसक जाएगा वो नहीं खिसका अच्छा तो हो गया ये क्वेश्चन आगे करें एक आध क्वेश्चन और दें मापांक कोणांक निकालने को जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है लाओ दो क्वेश्चन कहाँ है हाँ जी है अच्छा क्वेश्चन दे दिया जी ने देखो क्वेश्चन है हैं जी अपनी तारीफ अपनी मुंह से कर दी फाइंड मॉड्यूलस ऑफ देखो राइटिंग अपनी माशाल्लाह है भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। ठीक है फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मतलब मॉड्यूलस का मतलब हिंदी वाले सोच लो मापांक होता है एम्पलीट्यूड मतलब भैया आपका कोणांक होता है और जब आप मैथ की दुनिया से निकलेंगे और फिर एम्पलीट्यूड की बात कहेंगे फिर आपका कोणांक नहीं होता फिर वो आयाम होता है आयाम ये पढ़ेंगे आप जब ये पढ़ेंगे साइनोसोडियल वेव हाँ क्या हाँ आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं कई बार आर्ग्यूमेंट पूछेगा आपसे वो क्वेश्चन है आपका टू प्लस आई अपॉन चार बार आई प्लस वन प्लस आई का होल स्क्वायर इसका आपको वो बताना है जो हमने आपसे पूछा है। ठीक चलो बताओ ज्ञानियों क्या करेंगे पहले तो सिंपल सा दिख रहा होल स्क्वायर है इसको खोलो। ठीक हाँ तो जल्दी से होल स्क्वायर खोलो सब लोग अपने आप से करो देखो अब सारे क्वेश्चन हम थोड़ी करेंगे जल्दी से हमें आंसर बताओ सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कितना आएगा क्वेश्चन को नोट करना नहीं क्वेश्चन को करना भी सीखो नोट तो सभी कर लेते हाँ बिना पेन उठाए करना सीखो नहीं माइंड में भी हो जाता ना कई बार क्वेश्चन जो कंपटीशन की तैयारी करते वो 90-90 क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर देते
अपना अपना करो, नहीं हो रहा है, बिद गया, बिद गया तो बिद जान दो, सिक्स आई आ गया, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो, केवल आई से कर दो, क्या को सिक्स आई से कर दो, सिक्स से सिक्स कैंसिल नहीं हो जाएगा, फिर करने का फायदा क्या है? क्या हो गया सभी का क्वेश्चन? नहीं हुआ कमेंट में तो नहीं दिख रहा, कोई नहीं कर रहा, चलो भाई हम करे दे रहे। क्वेश्चन है आपका 2 प्लस आई, नीचे होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4i प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, यस, तो हो जाएगा आपका 2 प्लस आई अपॉन 6i प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, 1 से 1 टका टका कैंसिल, क्या बचा क्वेश्चन? 2 प्लस आई अपॉन 6 बार आई, ऊपर नीचे आई से कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन 6 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 हमें पता है, सो 2i माइनस 1 अपॉन माइनस 6 सेपरेट कर दो, सो z इज इक्वल टू माइनस का आई अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, क्या यही आएगा? आया, ठीक, अब अपन को निकालना है मॉड ऑफ z, सो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर a 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस b i का कोफिशिएंट माइनस का 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, इक्वल चले रूट के अंदर पहुंचे, सो 1 अपॉन 36 मिला प्लस 1 अपॉन 9 मिला, जैसे ही हमें ऐसा कुछ मिला हमने तुरंत एलसीएम लिया, एलसीएम 36 आया, ये 1 प्लस 9 4 जा 36 हुआ, 4 प्लस 1 आपका 5 होता है तो रूट का तो 5 रहा और 36 वहां 6 आया, ठीक, सो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 रूट 5, रूट 5 ये आपका आ गया मॉड जेड, जिसका ये आया उसका परम सत्य है, जिसका ये नहीं आया कृपया चेक कर लो, ठीक, आगे बढ़े, हमें निकालना था थीटा भी, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ बी ओवर ए, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 1 अपॉन 3 अपॉन ए की वैल्यू 1 अपॉन 6, रीडिंग थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस का 6 अपॉन 3, 3 टू जा 6, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मोड ऑफ 2 माइनस का 2 बाहर निकलेगा टेन इनवर्स 2, यही हमारा उत्तर हो गया, तो कोणांक आया टेन इनवर्स 2, मापांक आया 1 अपॉन 6 रूट 5, जिसका ये सही जिसका ये उसका सही, जिसका ये नहीं उसका गलत, बी अपॉन बी आपका माइनस 1 अपॉन 3 है ना, आया सबका आ गया पक्का, आगे बढ़े, चलो भैया जिंदगी में 3 लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, एक माँ बाप, दूसरे गुरुजन, तीसरा बस का कंडक्टर, बढ़ते रहो भैया, ठीक, तो ये 3 लोग आपको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। एक क्वेश्चन है 4 प्लस 5 आई के संयुग्मी से 4 प्लस 5 आई का योगफल, इंग्लिश में भी बताए टेंशन ना लो, और गुणनफल ज्ञात करो, मतलब फाइंड द एडिशन एंड द मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 प्लस 5 आई विद इट्स कॉन्जुगेट, नहीं आया
क्वेश्चन है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 4+5i विद इट्स कॉन्जुगेट, अ टाइप ऑफ गेट जिसमें से कोई नहीं निकल सकता कॉन्जुगेट। ठीक, तो देखो z इज इक्वल टू कितना और इसका कॉन्जुगेट कितना, कॉन्जुगेट निकालना हमने आपको कल बताया था, ठीक है, कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए i का साइन चेंज कर दो। ठीक है, क्या किया जाता है, केवल i का साइन चेंज किया जाता है, 4 का 4 ही रहा, 5 बाई प्लस का था 5 बाई माइनस का हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए, संयुग्मी हो गए। नहीं आया? ठीक है, कल की क्लास में हमने आपको ये बताया था। अब आपको क्या बताना है, बताना ये है सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को सम बताना है, जोड़ दो जेड प्लस जेड बार कितना होगा 4+5i+4-5i, 5i से 5i टक टक कैंसिल, क्या बचा, आ गया जेड प्लस जेड बार कितना आ गया, एक चीज फाइंड हो गई। दूसरी चीज फाइंड करनी है इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो जेड डॉट जेड बार इक्वल टू बताओ क्या होगा, सिंपल चीज बिल्कुल, जेड डॉट जेड बार है 4+5i × 4-5i, क्या होता है a+b × a-b, तो a स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और i का स्क्वायर i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 16 माइनस माइनस प्लस 25, 25 6 31 10 43, क्या बात है, z और z बार का मल्टीप्लाई 41 आ गया, दोनों चीजें फाइंड हो गई, 3 नंबर मिल गए। ठीक, अच्छा था, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट कर लो। अरे तुम केमिस्ट्री के पीछे ही पड़ गई आज, पता नहीं कैसे करेंगे। आ गया, तो बताओ मापांक कोणांक में किसी को कोई दिक्कत, a प्लस आई वी फॉर्म में निकालने में किसी को कोई दिक्कत, i की वैल्यूज निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्वेश्चन करके बताओ फिर जब नहीं है तो। टू प्लस थ्री आई अपॉन रूट थ्री माइनस टू आई, नहीं वो ए प्लस बी को लिखना बात नहीं, रूट थ्री आई की पावर 5, बस वैल्यू फाइंड करनी है, आई की वैल्यू देख ले कैसे आती है, नहीं हम कर रहे हैं अबे हाल करो, माइनस आई की पावर 347 वैल्यू फाइंड करनी है इनकी, तुम्हें क्या हो गया आज, हाँ दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ पहले का आंसर आया किस किस का आया, 9√3i, ठीक है, क्या आएगा पहले का आंसर 9√3i,
दूसरे का निकालो, आई आर आर की माइनस आई आर आर। बस बस एक मिनट, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है प्लस आई और कुछ लोगों का आ रहा है माइनस आई। ठीक, अब हम बताते हैं कि सही कौन सा है। माइनस को तो ले जाओ बाहर 347 की पावर, ठीक, और आई की पावर 347, माइनस की पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है तो माइनस में आएगा। आई की पावर 347 को अपन करेंगे 2 से डिवाइड, 2 से किया 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, बचा 1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, I स्क्वायर की पावर 173 इंटू आई, नहीं लिख सकते। I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1। पावर है, ऑड पावर, विषम पावर, विषम पावर तो वैल्यू माइनस में ही आएगी, माइनस माइनस 1 आई, माइनस माइनस प्लस बचा आई। बताओ नहीं आया, तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस आई आएगी, माइनस आई नहीं आएगी। आया नहीं आया, कोई बात नहीं, कल नहीं आए थे ना, तभी नहीं आया। क्या किया जाता है, आई की पावर कितनी भी हो इसको अपन 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करके इसको क्या लिख देते हैं, आई स्क्वायर की पावर लिख देते हैं, जितने बार हुआ डिवाइड वो, और अगर जो बचा वो साइड में डाल दो। ठीक, जैसे आपका क्या है 347 है, 2 से डिवाइड किया, 2 1 2 माइनस किया, 114 बचा, 2 7 जा 14 कुछ भी नहीं बचा, अगला नंबर लिया 7, 2 3 जा 6 बचा 1। तो हम इसे क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर की पावर 173। ठीक, अरे यार स्क्वायर में चेंज किया ना भैया, एक बात बताओ, अगर ए की पावर एम की पावर एन है तो इसे हम ए की पावर एम इंटू एन लिखते कि नहीं, तो अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक, ये हो गया, और एक आई बचा, बचाना एक आई, तो एक आई यहां पे मल्टीप्लाई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हमने कल बताई थी कितनी होती, की पावर 173 इंटू आई, और माइनस नंबर की पावर जब भी ऑड होगी विषम होगी, ठीक है, ऊनी ना हो वो पूरी ना हो ऊनी हो, ठीक है, फुट्टी ना हो वो जोड़ा ना हो फुट्टी हो, बहुत सारी चीजें होती ना बुंदेलखंडी में बोलते हैं ना, ऊनी पूरी, पूरी मतलब जो 2 से भाग हो, ऊना मतलब जो 2 से भाग ना हो, फुट्टी जोड़ा, जोड़ा मतलब जो 2 से भाग दे, फुट्टी जिसमें 2 से भाग ना जाए, ठीक है, और इवन ऑड, इवन मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से डिवाइड हो, ऑड मतलब जिसमें 2 से डिवाइड ना हो, सम विषम, सम में 2 से डिवाइड होता है, विषम में 2 से डिवाइड नहीं। तो माइनस 1 की पावर जब भी विषम हो, ऑड हो, फुट्टी हो और ऊनी हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस होगी, तो ये माइनस। ठीक, और आई तो बाहर था ही, और इससे पहले भी एक माइनस लगा था जे वाला, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया और आई बचा। बताओ बात समझ में, अभी भी नहीं आई, नहीं आई हो तो अब बताएं भी नहीं हम। ठीक, जिसने, जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो कल की वीडियो देख ले, आगे बढ़ते हैं, जो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो अब अपन को निकालना सीखते हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, 2 से 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि जेड इज इक्वल टू आई बी का क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो जल्दी से सीखते हैं अपन इसका स्क्वायर रूट निकालना, और उसके बाद अपन को केवल एक चीज और सीखनी है, फिर क्या, फिर सीखना है अपन को पोलर फॉर्म निकालना। क्या निकालना, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप,
और फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा डेमो एवर, खत्म कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना सा तो है ही। देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। जो भी आपको ए प्लस आई वी दिया है इसको हम लेंगे एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, इसका रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट के अंदर ए प्लस आई वी, कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, क्या करेंगे, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो रूट के अंदर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे बताओ, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक, ऑन स्क्वायरिंग बोथ तरफ, ठीक, कर देंगे स्क्वायर। जैसे स्क्वायर किया तो ये आया x प्लस आई वाई का स्क्वायर बराबर a प्लस आई बी, बताओ नहीं आएगा? आएगा, इसका होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई बराबर ए प्लस आई बी आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई बराबर ए प्लस आई बी। दोनों तरफ कंपैरिजन की, रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म की, क्या वास्तविक संख्याएं तथा काल्पनिक संख्याओं की दोनों तरफ तुलना करने पर। जैसे ही तुलना किया तो यह वास्तविक संख्या, यहां वास्तविक संख्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए और टू एक्स वाई बराबर बी, नहीं आया? ठीक, अच्छा, इसके बाद अपन ने एक चीज और सीखी, बोलो क्या हमने सीखा है, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे स्क्वायर को छोड़ दो, लो जे सीखा नहीं सीखा? अगर अभी भी नहीं सीखा हो तो एक बार फिर से सीख लो। लो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जे सी का। अगर हम इसमें माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी कर दें कोई दिक्कत होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी और टू ए बी मिलके बन गए चार ए बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जे आ सकता? नहीं आया? आ गया ना, क्लियर? हाँ, तो ये यहां से आया। ठीक, तो यहां अपना एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो यहां ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर, ए की वैल्यू ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, वेरी, बच्चे होशियार, उन्हें कभी दिक्कत नहीं। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, दोनों वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, कुछ भी आएगा, नंबर होगा जो भी वो आएगा, और हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी है, है? दोनों को सॉल्व करो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर टक, क्या बचा? टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ के अपॉन में टू आएगा, तो यहाँ एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कुछ के अपॉन में टू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू उठा के दोनों में से किसी में भी रख दो, वाई आ जाएगा, एक्स आ गया, वाई आ गया, चलो शुरू में जे एक्स आ गया, वाई आ गया, रख दो, इसी का तो स्क्वायर रूट ये है, खत्म, नहीं आया? आ गया ना, तो पहले तो तरीका नोट करो, क्वेश्चन अभी हल करते हैं, बस बेटा बस, माता आ जाती है इसको कभी कभी। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन करने का तरीका कि कैसे करेंगे, और क्वेश्चन अभी करते हैं फिर, एक जल्दी से एक स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं, बताओ जो नहीं आया, आ गया ना स्क्वायर रूट निकालना, जो नए हैं उन्हें भी एक क्वेश्चन करेंगे तो सर अच्छे से आ जाएगा। पीछे आ गया,
बहुत पीछे बैठे जल्दी से पेन कॉपी निकालो, रजिस्टर में तरीके को नोट करो, फिर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बस यही तो आपका काम है। आओ खेल लो, तुम बच गए, बड़े क्या रुके तो हम हैं, रुके तो है ही, तभी तो पूछ रहे बड़े क्या आगे। तुम्हें आ गया, चलो क्वेश्चन देखो। z इज इक्वल टू 2+3i का वर्गमूल बताइए। चलिए बताइए, देखिए कैसे बताएंगे अपन, क्या करेंगे, मान x प्लस आई वाई बराबर 2+i 3 या 3l। यस, दोनों तरफ का इसका वर्गमूल निकालना है पता, दोनों तरफ का वर्ग करने पर इंग्लिश मीडियम वाले स्वतः एक लाइन लिखें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स प्लस आई वाई बराबर 2+3i होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi बराबर 2+3i ऑन कंपेयरिंग रियल टर्म एंड इमेजिनरी टर्म बोथ साइड, दोनों तरफ काल्पनिक और वास्तविक पदों की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 2 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट तो ऐसे ही मान लो, ऐसे इक्वेशन दो तीन मान लो, और 2xy बराबर मिला हमें 3, इक्वेशन नंबर तृतीय मान लो। अब हम लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy2 नहीं होगा, ठीक तो होगा। हाँ चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता है 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी 3/2 तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। चलो ऐसे नहीं लिखो, हाँ टू एक्स वाई का, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर कोई गलती कर रहे हो तो बता देना, कर रहे नहीं नहीं बताओ, अभी गलती करें, ओ टू एक्स वाई की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9, हाँ तो क्या गलती क्या कर रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं है। नहीं वो लोग बोल रहे हैं ना कि गलती आप तो करते ही जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ठीक कैंसिल, क्या बचा 2x² इज इक्वल टू √13+2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू √13+2/2, ठीक तो एक्स इक्वल टू होगा, एक्स आ गया, वाई निकालो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है आपका √13/2+1+y² = √13, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू √13 - √13/2+1। एलसीएम लेंगे तो 2√13 - √13/2-1, तो y² = √13/2-1
y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर रूट का 13 अपॉन 2 माइनस 1, y आ गई, x आ गया, पुट y एंड x इन इक्वेशन 1, समीकरण एक में दोनों का मान रखने पर रूट कहा टू इस तरफ गया, अपॉन में टू ये रहा, टू से टू कैंसिल वन, नहीं आया, रखो इक्वेशन में, तो टू प्लस थ्री आई था, क्वेश्चन क्या था, नहीं नहीं भरोसा नहीं है, टू प्लस थ्री आई, रूट टू प्लस थ्री आई इक्वल टू क्या था आपका, एक्स प्लस आई वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी अपनी अंडर रूट के अंदर रूट 13 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस रूट 13 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू, ये इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, नहीं आया, पूरा करे दे रहे, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक, ये रहा पूरा क्वेश्चन, टू प्लस थ्री आई का वर्गमूल निकालना था अपन को, ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, ये जो भी इसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको रूट में लिखेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, इसका होल स्क्वायर खोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इंटू वाई इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, दोनों तरफ रियल टर्म इमेजिनरी टर्म की कंपैरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू आया, टू एक्स वाई इक्वल टू थ्री आया, हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू रख दी उसकी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू टू है और इसको लिखा अपन ने टू एक्स वाई का होल स्क्वायर, टू एक्स वाई की वैल्यू थ्री है, थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया, नाइन प्लस फोर थर्टीन हो गया, रूट में गया तो रूट थर्टीन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट थर्टीन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू था, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट थर्टीन प्लस टू, टू अपॉन में गया तो रूट थर्टीन अपॉन टू प्लस टू अपॉन टू होगा तो वो वन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो ये पूरा आपका अंडर रूट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दी तो यहाँ पे रूट थर्टीन अपॉन टू प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट थर्टीन, इस पूरे टर्म को उधर भेजा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट थर्टीन माइनस रूट थर्टीन अपॉन टू माइनस वन, रूट थर्टीन माइनस रूट थर्टीन अपॉन टू में एलसीएम लिया तो टू रूट थर्टीन माइनस रूट थर्टीन अपॉन टू माइनस वन, टू रूट थर्टीन में से रूट थर्टीन माइनस हुआ बचा रूट थर्टीन अपॉन टू और माइनस वन, वाई स्क्वायर की वैल्यू आई हमें वाई की चाहिए थी तो अंडर रूट के अंदर रूट थर्टीन अपॉन टू माइनस वन, एक्स आ गया वाई आ गया, उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया अपना आंसर आ गया, बताओ नहीं आया, स्क्वायर रूट निकालना आया कि नहीं, सर तो बहुत पहले आ गया था, क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, हाँ लो भैया, ठीक है, तो ये थे आपके तीन टाइप के क्वेश्चन आज अपन ने सीखे, एक मॉड्यूलस निकालना, दूसरा एम्पलीट्यूड निकालना और तीसरा क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करके आने हैं, ठीक है, नहीं हम नहीं डालेंगे ग्रुप ग्रुप पे, हम भूल जाते, ठीक है, इसलिए हम अभी दे रहे हैं, नोट कर लो, अरे रुक जाओ एक मिनट, ठीक है, जो जो क्वेश्चन दे रहे हैं उन सबके क्या बताने हैं, कोणांक और मापांक बताने हैं, पहला है बात नहीं करनी है, टू प्लस थ्री आई अपॉन, जल्दी क्वेश्चन नोट करो, फोर माइनस थ्री आई, ठीक, दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा है आपका 2 + 3i / 2 - 3i और इस ऊपर वाले का स्क्वायर। इन सब के क्या निकालने हैं? मॉड्यूलस निकालने हैं और मापांक भी निकालने हैं। 2√3 + √2i / 3√2 - 4√3i ये भी ठीक है। आई भी 5 + √2i / 1 - √2i ये चारों क्वेश्चन के तो निकालने हैं आपको क्या? मापांक और अंक। ठीक, एक्सप्रेस इन ए प्लस आई बी इस फॉर्म में आपको लिखना है, मिलेगा टाइम। ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है इन क्वेश्चंस को जो अभी दे रहे हैं। पहला है आपका 1/1 + 2i + 3/1 + 4i, दूसरा 1 + i / 1 - √3i, तीसरा 3 + 4√-1 / 2 - 4√-1, चौथा 2 + i / 3 + i का होल स्क्वायर। इन चारों क्वेश्चन को ए प्लस आई वी के फॉर्म में लिखना है। अभी क्या, अभी तो स्क्वायर रूट वाले देने हैं अभी। ठीक, कोई इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, चार चार आठ ही तो हुए अभी। इन सब के आपको कोणांक मापांक निकालने हैं, इन सबको आपको ए प्लस आई वी के फॉर्म में व्यक्त करना है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, एक मिनट, कुछ नहीं, वो कल की क्लास नहीं लेंगे, पोलर फॉर्म नहीं सीखेंगे हमसे और क्या। पहला -15 - 8i, दूसरा -i, तीसरा दूसरा रजिस्टर खरीद लेना, जीरो प्लस माइनस। किताबें मार, हाँ वो हमने माइनस ही लिखा है, भूला नहीं, भूले नहीं है हम। ओ कोई जाएगा नहीं अभी, तो आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। अगर आपको पोलर फॉर्म और ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालना आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, जो पुराने हैं वो शेयर करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय महाकाल।